हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र यादव और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक ऐसा समय आ गया है कि जहां पर हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि काश उनको एक साल के अंदर सरकारी नौकरी मिल जाए और वह अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि काश वो एक साल के अंदर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, और वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि काश वो एक साल के अंदर क्रिकेटर बन जाएं। तो इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक साल के अंदर क्रिकेटर कैसे बने। इस वीडियो में आपको पांच ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तब आपके एक साल के अंदर क्रिकेटर बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता कि आप एक साल के अंदर क्रिकेटर बन ही जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इन पांचों बातों को फॉलो कर लेते हो तब आप बहुत जल्द से जल्द एक सफल क्रिकेटर बन सकते हो। इसीलिए दोस्तों, जो लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड यूजफुल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो फिर चलिए, आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपको एक साल के अंदर क्रिकेटर बनने के लिए इन पांच बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहला जो काम करना वो ये है कि आपको सिर्फ एक लक्ष्य बनाना है। आपको अपने दिमाग में यह बात बैठा लेनी है कि आपको एक साल के अंदर क्रिकेटर बनना है तो बनना है। इसके लिए सिर्फ आपको क्रिकेट पर ही फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप चार दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद चार दिन फुटबॉल की कर रहे हो, उसके बाद चार दिन हॉकी की कर रहे हो। अगर आप तरह तरह के खेलों पर फोकस करोगे तब आप एक साल में तो क्या 10 साल में भी क्रिकेटर नहीं बन सकते। इसलिए आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर ही होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक खेल पर फोकस करके मेहनत करोगे तब आपके एक साल के अंदर क्रिकेटर बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथी खिलाड़ी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तब आपको 6 घंटे प्रैक्टिस करना है। अगर वो लोग 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तब आपको 8 घंटे प्रैक्टिस करना है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको उन लोगों से हमेशा दोगुना मेहनत करते रहना है, तभी जाके आप एक साल के अंदर क्रिकेटर बन पाओगे। और एक बात आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जितनी भी देर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हो उतनी देर आपका सारा का सारा फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर ही देना है। प्रैक्टिस के दौरान आपको फ़ोन नहीं चलाना या लोगों के साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। दोस्तों, आपको हर दिन कुछ नया सीखने का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मतलब आपको हर दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे आज ये शॉट सीखना है, मुझे आज वो शॉट सीखना है, या मुझे अपनी फील्डिंग पर मेहनत करना है, अपनी कैचिंग पर मेहनत करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकेडमी आए, प्रैक्टिस किए और चले गए और आपने क्या सीखा आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। जब भी आप प्रैक्टिस करके जाओ तब आपको अंदर से ये लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा है। दोस्तों, आप लोग जितनी भी देर ग्राउंड पर रहते हो आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप लोग फ़ोन लेकर बैठते हो तो आपका सारा टाइम कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस के समय प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। प्रैक्टिस के समय आपको फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना है और आपको अपने सारे काम को बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है। बॉलिंग के समय बॉलिंग करना है, बैटिंग के समय बैटिंग करना है, कैचिंग के समय कैचिंग करना है, और प्रैक्टिस के समय आपके कोच आपसे जो भी बातें कहें आपको अपने कोच की सारी बातें माननी है, क्योंकि आपके कोच आपके लिए जो भी कहेंगे वो अच्छे के लिए ही कहेंगे। दोस्तों, सबसे लास्ट काम आपको ये करना है कि आपको एक अच्छी डाइट लेना है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छी डाइट नहीं लोगे तब तक आप ग्राउंड में जितनी मेहनत करना चाहोगे उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे, आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अंदर से फिट रहें और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो दोस्तों, यही थी पांच बातें जो आपको एक साल के अंदर क्रिकेटर बनने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आप इन पांचों बातों को फॉलो कर लोगे तब आप एक साल के अंदर क्रिकेटर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर चलिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।